हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है एबीसी जूस। ओ एबीसी, आप सोच रहे होंगे एबीसी क्या होता है। एबीसी का मतलब है एप्पल बीटरूट कैरेट जूस। अगर आपने उसको डेली एक ग्लास पी लिया तो आपकी जो भी कोई बीमारी होगी, आपको किसी चीज़ की कमी होगी, तो सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एबीसी जूस बनाने के लिए हम लेंगे एप्पल बीटरूट कैरेट और इसको हम पील कर लेंगे पहले, फिर इसको कट करेंगे। यहाँ पे मैं एप्पल को भी पील कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं कितना ऑर्गेनिक है एप्पल या नहीं। मैं हमेशा एप्पल को पील करके ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल कर लिया है, बीटरूट और कैरेट तीनों को हम पील कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हमने पील कर लिया है, अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो जो पहले हम एप्पल करेंगे तो एप्पल की जो सीड्स वगैरह रहेंगी हम इसको निकाल देंगे। इस जूस के काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं। ये आपको वेट लॉस में, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है प्रेगनेंसी में। इसमें हाई फाइबर रहता है, पोटेशियम, जिंक, तो ये काफ़ी हेल्दी जूस है। बीटरूट एंड कैरेट के जो साइड के एजेस हैं वो हम रिमूव कर देंगे, बाकी को हम कट कर लेंगे। तीनों को कट कर लिया है। हम जूस जूसर में नहीं बना रहे, हम बनाएंगे मिक्सी ग्राइंडर में। तो मैं यहाँ पे एक जार ले लूँगी और इसमें हम तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी ऐड कर देंगे कुछ पौदीने के पत्ते और एक कप पानी। इसको कवर करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है, अभी हम लेंगे एक कंटेनर, उसमें छन्नी लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आप प्योर कॉटन के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। और जो जार था उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पे मैंने जूस को छाना है, आप चाहे तो बिना छान के भी पी सकते हैं। मैं दोनों तरीके से इसको कंज्यूम करती हूँ, जब जैसा मन होता है। तो अभी मैं इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसमें मैं लास्ट में एक एक चम्मच दोनों में जो पल्प निकला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जूस हमारा बनके रेडी है और आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको पी सकते हैं। वैसे ये ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं तो बिना काले नमक का ही इसको पीती हूँ। इस जूस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।